और इस बीच एक बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा, नंदीपार बोरोबटताला इलाके में हमला हुआ है। हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई है। हिंदू महिला ने कहा है, हमने क्या गुनाह किया। तो हिंदू घरों को निशाना बनाया गया है, जमकर तोड़फोड़ की गई है, लूटपाट की खबरें भी सामने आ रही है। नंदीपार बोरोबटताला इलाके में ये हमला किया गया। तो बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा देखने को मिली है। नंदीपार बोरोबटताला इलाके में यह हमला किया गया। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी है। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के घरों और मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा है। इस्कॉन समेत दूसरे मंदिरों पर एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। इस हिंसा में करीब 100 लोग मारे गए हैं, जिनमें रंगपुर की हिंदू पार्षद काजल रॉय भी शामिल हैं। हिंसा पर इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन ने बयान जारी किया है, जिसमें वो सीधे कह रहे हैं कि हिंदुओं पर आज की रात भारी, यानी आज जो रात बीती है, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए दुआ करें। बांग्लादेश में स्थिति बहुत ही नाजुक है। मैं आप सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो 13 मिलियन हिंदू रहते हैं, परिवार रहते हैं, उनके लिए आप कृपा करके आज रात को प्रार्थना करिए। ये रात उनके लिए बहुत ही लंबी होने वाली है। बांग्लादेश में रात भर हिंदुओं के साथ हिंसा की खबरें आती रहीं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की निष्क्रियता की वजह से हालात और भी बिगड़ गए हैं। बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन हिंसा खोने के बाद हिंदुओं के खिलाफ हो गया है।